मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच दिग्विजय सिंह काफी सक्रिय दिख रहे हैं। पिछले 6 महीनों से दिग्विजय सिंह लगातार राज्य के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं। पिछले दिनों रतलाम के दौरे पर पहुंचे दिग्विजय सिंह से जब पूछा गया कि इस बार कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है, तो दिग्विजय सिंह ने चौंकाने वाला जवाब दिया। दिग्विजय सिंह की माने तो पिछली बार भी उन्होंने जो अनुमान लगाया था उसके करीब ही सीटें आई थी, क्योंकि विंध्य की सीटों को लेकर उनसे कुछ गलती हो गई थी। हालांकि दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस को 135 से 145 सीटें मिलेंगी। आपको बताया होगा, मुझे तो बताया नहीं उन्होंने। लेकिन हमेशा कहा जाता है, मेरा किसी सर्वे पे भरोसा नहीं है। देखिए, मैंने पिछली बार कहा था हमारी 126 सीटें आएंगी। अगर विंध्य प्रदेश में हमारा एक थोड़ा सा गड़बड़, मेरी उम्मीद थी करीब 17 सीटों की, वहां में केवल 7 सीटें आई, तो हमें 114 सीटें मिली, तो 124 सीटें आने का मेरा अंदाजा ठीक था। आज भी मैं आपसे कहता हूं, हर हालत में 135 से 145 सीटें कांग्रेस को आएंगी। रतलाम शहर के लिए आप क्या क्या करेंगे? रतलाम शहर को हम इतना कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोगों से चर्चा करने के बाद हमने कमलनाथ जी को, कई लोगों ने सुझाव दिया है कि हर असेंबली सेगमेंट के लिए हमें इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करना चाहिए कि अगर हमारा प्रतिनिधि वहां चुनकर आता है तो हम उसके लिए क्या करेंगे। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह पार्टी को मजबूत करने के साथ ही साथ पार्टी के नाराज नेताओं को भी मनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वो कई जगहों पर मंच पर कांग्रेस नेताओं को बुला चुके हैं और उन्हें पार्टी से बगावत ना करने की कसम भी खिला चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटों पर विजय हासिल की थी। हालांकि सिंधिया की बगावत की वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।